हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन एपिसोड 5 और 6। तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। आर्टोरिया ब्लाइट ड्रैगन के तक आने तक पहुंच जाती है और ड्रैगन उसे मारने ही वाला होता है और वहाँ सीची और सारिया पहुँच जाती हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में आर्टोरिया को लगता है कि वो मरने वाली है और आँखें बंद कर लेती है। जब वो आँखें खोलती है तो उसके सामने सीची और सारिया खड़े होते हैं। आर्टोरिया को समझ नहीं आता है कि वे लोग वहाँ पर कहाँ से पहुँचे। फिर सारिया उसे बताती है कि जो स्टोन उसने उसे दिया था वह चमकने लगा और उसकी ओर ले आया। सीची बताता है कि हमें ड्रैगन के ऊपर से निकलना होगा क्योंकि वही एक रास्ता है, और वह ड्रैगन से लड़ना शुरू कर देता है। ड्रैगन उस पर आग उगलता है लेकिन सीची इंस्टेंट मूवमेंट करके बच जाता है और वह ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन उसको अपने करीब आने ही नहीं देता था और सीची उसका लेवल चेक करता है। उसका लेवल 5000 होता है। फिर ड्रैगन उसे हिप्नोटाइज करके दीवार में पटक देता है। ड्रैगन उसे कहता है मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। तब सारिया उसे बताती है कि वह मैजिक यूज़ करो जो तुमने मेरे लड़ाई के समय किया था। उसका मतलब था कि वह पानी वाला अटैक। फिर चीची उस पर यह अटैक करता है और वहाँ बाढ़ ला देता है, लेकिन ड्रैगन को कुछ नहीं होता और वह फिर चीची को हिप्नोटाइज कर लेता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी किसी तरह सीची उसके वश से अपने आप को छुड़ाता है और ड्रैगन के हजारों टुकड़े कर देता है। फिर सीची का लेवल अप होता है और वह अपने आप से कहता है पता नहीं ये ब्लैक ड्रैगन इंसानों से इतना नफरत क्यों करता था। सारिया सीची के गले लग जाती है। तब सीची कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आर्टोरिया का हाल पूछता है। आर्टोरिया बताती है उसने दवाई वाला पौधा लिया है और वह सो रही है। फिर वे लोग घर जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वहाँ से कैसे निकला जाए। फिर सीची उस बॉक्स में ढूंढता है, शायद कुछ मिल जाए और यहाँ से बाहर निकला जाए। सीची को ड्रैगन की एबिलिटीज मिलने लगती है और उसे कुछ बोल जैसा दिखाई पड़ता है। वह उसे खा लेता है और कहता है इसका टेस्ट तो सोडे जैसा है। सीची कोट पहनता है और फिर ड्रैगन का स्टोरी बताया जाता है। एक समय की बात है जब ड्रैगन इंसानों का हिफाजत करता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि लोग उसे मारने को तुल गए क्योंकि वे उनका एबिलिटीज और पावर चाहते थे जिससे बहुत सारी जादुई वेपन बन सके, और इस ड्रैगन को डेमन किंग ने बचाया और इस तरह ड्रैगन इंसानों से बहुत नफरत करने लगा और इस तहखाने में पहुंच गया। यह कहानी सुनकर सीची रोने लगता है। सारिया कहती है इस बार मिस्टर शिप की तरफ से कोई लेटर नहीं आया। यह कहते ही मिस्टर शिप की तरफ से एक लेटर आता है। पता चलता है कि मिस्टर शिप छुट्टी पे गया है और बाकी के काम उन्हें खुद करना होगा। फिर वहाँ एक टेलीपोर्ट होता है और वे लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं। सीची आर्टोरिया को अपने गोद में लेकर जा रहा होता है और आर्टोरिया का होश आ जाता है और उसे नीचे उतारने को कहती है। आर्टोरिया फिर अपना स्टेटस दिखाती है, उसका लेवल -20 लाख होता है। फिर हमें पता चलता है कि आर्टोरिया को जन्म से ही श्राप मिला हुआ होता है और वह अपने आप को पनौती समझती है। फिर सीची कहता है क्या इस श्राप से पीछा नहीं छुड़ा सकते? वह ना कहती है। वे लोग कहते हैं हमें तुम पनौती नहीं लगती हो और यह हम समझ सकते हैं। वे सभी लोग अपने ग्रुप में आते हैं। वहाँ एक आदमी बॉडी बना रहा होता है। आर्टोरिया कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो? वे बताते हैं कि वे लोग अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहे थे और वो फ्रेंड आर्टोरिया होती है। तब सीची कहता है आर्टोरिया तुम्हें सभी लोग प्यार करते हैं और तुम एक पनौती नहीं हो। यह सुनकर आर्टोरिया रोते हुए बाहर निकल जाती है। सीन चेंज होता है, उन तीनों मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। वे लोग जुआ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी बॉस आती है और बताती है कि ब्लैक ड्रैगन मारा गया और हमें पता नहीं उसे किसने मारा। सीची आर्टोरिया को ढूंढते ढूंढते मार्केट पहुँच जाता है और वहाँ उसे एक लेडी मिलती है। सीची उसे बताता है कि आर्टोरिया कहीं चली गई है। तब वह लेडी कहती है क्या तुम्हें आर्टोरिया के शराब के बारे में पता था? सीची हाँ कहता है। तब वह लेडी उसे नज़दीकियाँ बढ़ाने को कहती है आर्टोरिया के साथ। सीची आर्टोरिया को ढूंढ लेता है। वह टूटे हुए खंडर में होती है, वह रो रही होती है। तब सीची को उस लेडी की बात याद आती है और वह उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर सीची को लगता है कि वह गलत कर रहा है उसे ऐसे पकड़ के। फिर वह अपने आप को रियलाइज दिलाता है कि यह ज़रूरी है आर्टोरिया के लिए, और उसे आर्टोरिया का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। फिर वह उसे एक रिंग देता है जो कि उसके शराब को मिटाएगा, और एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं एपिसोड 6 की ओर। एपिसोड 6 के शुरुआत में सीची को दिखाया जाता है। वह परेशान होता है क्योंकि आर्टोरिया उससे बात ही नहीं कर रही होती है। फिर सीची सारिया से पूछता है कि आज तुम क्या करने वाली हो, क्योंकि उनका हंटिंग वाला टेस्ट कैंसिल हो गया है। सारिया उसे बताती है कि वह अनाथालय जाएगी, और सीची प्लान बनाता है कि वह और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इस दुनिया के बारे में। सीची उस आदमी से पूछता है, वह आदमी बताता है कि बॉडी बनाए मेरी तरह।
फिर सिची लेरिस के पास जाता है। वह उसे अपने जैसा बनाने का बुक दिखाती है। फिर सिची उन्हें बताता है कि उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन चाहिए। वे इसे हीरोज़ के ग्रुप के बारे में बताते हैं और कहते हैं बाकी का इन्फॉर्मेशन तुम्हें लाइब्रेरी से मिल जाएगा। लाइब्रेरी का मैप उस आदमी के पास होता है, वह सिची को देता है। फिर सिची अपने मन में कहता है शायद मैं कुछ पता कर पाऊँ हीरोज़ पार्टी के बारे में। फिर हमें एक राजा और उसके जादूगर को दिखाया जाता है। राजा को शक होता है कि जो ये लोग हैं उन्हें तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नहीं कराया जा रहा है, तो वे लोग डिमन आर्मी से कैसे लड़ेंगे। वह जादूगर उन्हें सलाह देता है हम उनकी जगह दूसरे को भेजेंगे जो कि मेरी तरह जादूगर होंगे। सिची को दिखाया जाता है वह लाइब्रेरी में हीरोज़ पार्टी के बारे में कुछ ढूंढ रहा होता है और वह एक बुक पढ़ता है जिसमें डिमन लॉर्ड को बुरा दिखाया जाता है। लेकिन सिची का मानना था कि इनके पीछे इंसानों का हाथ था। हमें पता चलता है कि सिची को जादू के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और वह एक बुक उठाता है और जैसे जैसे वह पेज पलटता है वैसे वैसे उसमें वो सारी जादू ऐड होने लगती है और वह नाराज़ होकर कहता है मैं फिर से वही बंदा बनना चाहता हूँ नॉर्मल वाला। अगले सीन में सिची को भूख लगा होता है। वह देखता है कि एक बच्ची के पास जानवर वाले कान थे और बच्ची पेंटिंग बेच रही होती है। सिची को उसका पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है तो वह उस पेंटिंग को ख़रीद लेता है। फिर उसे खाने का स्मेल आता है और वह उस स्मेल का पीछे करते करते एक दुकान में पहुंच जाता है। आर्तोरिया को दिखाया जाता है वह अकेलापन फील कर रही होती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और उसे एडवाइस देती है। सिची को दिखाया जाता है उसे वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। उसके बगल में एक आदमी होता है, वह उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। फिर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है, उसका नाम रांझे होता है। सिची उसे बताता है कि वह यहाँ नया है। रांझे उसके नाम से पता कर लेता है कि वह ईस्ट साइड का आदमी है और कहता है तुम्हारे यहाँ के लोग बहुत ताकतवर होते हैं। सीन चेंज होता है, आर्थोरिया उस लेडी को दिखाया जाता है। वह लेडी उसे देखकर बता देती है कि वह किसी के प्यार में पड़ गई है। आर्थोरिया उसे मना कर रही होती है। फिर वह लेडी कहती है तो बताओ वह रिंग तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। और आर्थोरिया को पता चलता है कि उसको सिची से प्यार हो गया है और कहती है कि आप मुझे बताओ मैं उसे कैसे अपने बनाऊँ। वह लेडी कहती है ये सब बस मेरे पे रहने दो। सिची को दिखाया जाता है वो सारी बातें रांझे और उस दुकानदार के साथ शेयर करता है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया। वे उसे बताते हैं कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी और उसका मतलब यह है कि तुम उसे अपना प्यार दिखा रहे हो। फिर सिची कहता है अगर मैं उसे एक्सेप्ट ना करूँ तो। वे लोग बताते हैं उसका सर दर्द अलग हो जाएगा और वे उसे एक उपाय बताते हैं कि शादी कर लो उससे। फिर उन्हें पता चलता है कि सिची के मन में दूसरी लड़की है जिससे वह प्यार करता है। फिर रांझे उसे एडवाइस देता है और कहता है तुम दोनों से प्यार करो। सिची उन्हें थैंक यू बोल के चला जाता है। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, सिची कंफ्यूज होता है वह किसे चूज करे। तभी वहाँ आर्तोरिया आ जाती है। सिची मन में कह रहा होता है आज मैं उसे रिंग के बारे में साफ साफ बता दूंगा और वह कुछ कहे उससे पहले ही आर्तोरिया उसे किस कर लेती है और कहती है मैं जानती हूँ कि उस रिंग का कुछ मतलब नहीं था लेकिन सारे तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन मैं क्या करूँ ये दिल तुम्हारा दीवाना हो गया। फिर सिची अपने मन में ठान लेता है कि वो दोनों को अपने साथ रखेगा। फिर वहाँ सारिया आती है, सारिया को देखकर सिची के होश उड़ जाते हैं। सारिया प्यार से कहती है तुम इसे रख सकते हो और वह अपना भाषण देती है। सिची को यकीन नहीं होता है कि सारिया एक गोरिल्ला होते हुए भी उसको उसकी फीलिंग्स की कितनी कदर है और अंत में कहती है हम दोनों तुम्हें साथ में प्यार करेंगे। आर्तोरिया कहती है तुम मुझे निक नेम से बुला सकते हो, उसका निक नेम आर होता है। फिर उन तीनों की शादी हो जाती है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।